मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 23 मई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, मात पिता को पूरा पूरा फॉलो कर सपूत बनो। याद और श्रीमत के आधार पर ही बाप के तख्त नशीन बनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मात पिता को पूरा पूरा फॉलो कर सपूत बनो। याद और श्रीमत के आधार पर ही बाप के तख्त नशीन बनेंगे। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि किस पुरुषार्थ से सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो उत्तर में बाबा ने समझाया कि पुरुषार्थ करो, अंत काल में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना। बुद्धि को ग्रस्त व्यवहार में रहते भी रखो, कुछ भूलते जाओ, श्रीमत पर चलते रहो, किसी को भी कांटा नहीं लगाओ, हर कदम में माता पिता को फॉलो करो, कोई भी कमी है तो अविनाशी सर्जन को सच सच बतलाओ। मुरली का गीत है, नई उम्र की कलियां। ओम शांति। बच्चों को इस गीत का अर्थ समझाते हैं। यह जो महिमा करते हैं कि इस देश में जन्मी थी सीता, यूं तो वास्तव में मेल और फीमेल सब सीताएं हैं, क्योंकि सब भक्तनियां हैं, भक्ति करने वाले भगवान को याद करते हैं। यह सजनियां साजन को याद करती हैं, किस लिए? फूल बनने के लिए। कहते भी है ना कि कमल फूल समान रहना है। अब तुम जानते हो कि हम आत्माओं का बाप परमात्मा है, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना होता है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। जीवन मुक्ति का वर्षा जरूर मिलेगा, सत्युग के लिए, कलयुग के लिए नहीं। नई दुनिया शुरू होती है, गोया नाटक नया शुरू होता है। दुनिया पुरानी है तो नाटक भी पुराना हो जाता है। अब यह है पुरानी दुनिया, नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण जैसे फूल थे। अभी तुम जानते हो कि हम कांटों से फूल बन रहे हैं, स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। कांटा वे हैं जो एक दो के ऊपर काम कटारी चलाते हैं। तुमको निश्चय है कि हम आत्माओं का बाप आया हुआ है फिर से सदा सुखी स्वर्ग का मालिक बनाने। इस निश्चय में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बाप ने आकर इनको भी समझाया है, किसको? ब्रह्मा बाबा को। वह कहते हैं कि बरोबर हम नहीं जानते थे, हम पहले सत्युग में धर्मात्मा थे। धर्मात्मा उनको कहा जाता है जो काम कटारी नहीं चलाते। धर्मात्मा सिर्फ उनको नहीं कहते जो दान पुण्य करते हैं। मनुष्य जो कुछ करते उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है, वह इनडायरेक्ट दान करना है। ईश्वर अर्थ दान करते हैं, जैसे कोई कृष्ण अर्थ भी करते हैं, परंतु श्री कृष्ण को गीता का भगवान समझने के कारण मुंझारा कर दिया है। भगवान कहते हैं कि मैं भारत में ही आया हूँ। तुम बच्चे जानते हो, हमारा बाप परम धाम से आया है। हमको कहते हैं, बच्चे अब नाटक पूरा होता है, मुझे याद करो। तुम ही सो लक्ष्मी नारायण थे, त्रेता में है राम सीता। श्री कृष्ण का युग तो कोई अलग नहीं है, उन्होंने द्वापर में डाल दिया है। यह फिर भी होगा, बाप बैठ बच्चों को शास्त्रों का सार समझाते हैं। मैंने कोई गीता आदि हाथ में नहीं उठाई है, मुझे तो ज्ञान का सागर कहते हैं। मुझे भक्त ऐसे भी कहते हैं, सत्य है, चैतन्य है। मनुष्य जो बहुत वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं उनको शास्त्रों की अथॉरिटी कहा जाता है। अब यह वेद शास्त्र आदि कहाँ से शुरू हुए? भक्ति मार्ग से। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। ऐसे नहीं कि वेद शास्त्र अनादि कहेंगे। अगर अनादि कहें तो सत्युग से लेकर कहाँ जाएं? सत्युग में तो वेद शास्त्र होते ही नहीं, यह तो भक्ति मार्ग से शुरू होते हैं। अब बाप की बुद्धि में है कि मैं ज्ञान का सागर हूँ, इस मनुष्य सृष्टि को मैं ही जानता हूँ। बाप आकर अपना परिचय देते हैं, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, 84 जन्म कैसे भोगते हैं तुम जानते हो। हम 84 जन्म सतो रजो तमो में पाठ बजाते हैं।
अभी बाप ने आकर ब्रह्मा द्वारा यह यज्ञ रचा है। शिव बाबा द्वारा हम ब्रह्मा के बच्चे बने हैं तो वह दादा हो गया। वहां तो है ही बाप का वर्षा। आधा कल्प से तुम चाहते थे मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा। यह नहीं जानते थे कि बाप भक्तों के पास आएंगे, क्या करेंगे। कहते हैं भगवान घर बैठे आ जाएं, सो तो बड़े घर में आएंगे ना। तुम्हारे लिए तो अपना घर छोटा है, ये है बेहद का घर, ना जाने कब भक्तों के पास आ जाएं। भगवान तो जरूर भक्तों के लिए आएंगे, भक्त भगवान के बच्चे ठहरे। ऐसे नहीं कि भगवान सब भक्तों में है, सब भगवान है नहीं। बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं कि मैं आऊंगा जरूर, आकर बच्चों को सुख दूंगा। मनुष्य विलायत से आते हैं तो बड़ी वंडरफुल सौगात लाते हैं। बाप कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बैकुंठ सौगात लाया हूँ, वहाँ विष नहीं मिलेगा। इस ज्ञान अमृत पीने से तुम स्वर्ग में जा सकते हो, तो जरूर जहर छोड़ना पड़ेगा। मैं कोई सन्यासियों उदासियों मिसल पुस्तक नहीं उठाता हूँ, मैं तो शांति धाम सुख धाम का मालिक बनाने के लिए रास्ता बताता हूँ। मेरे लाडले बच्चों, परदेशी बाप आत्माओं से बात करते हैं, और कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं परमात्मा हूँ, तुम आत्माओं से बात करता हूँ। वह तो कहते अहम परमात्मा तत्त्वम। बाप बाप को वर्षा देंगे क्या? बाप जरूर बच्चों को वर्षा देंगे। तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि बनी है। बाप आकर बुद्धि का ताला खोलते हैं। बुद्धि में मूल वतन सूक्ष्म वतन याद है, यह है स्थूल वतन। तुम अब बन गए हो त्रिकालदर्शी, तीनों लोकों तीनों कालों को जानते हो। यह है डिटेल की बातें, नश्चल में तो है ही दो बातें। बाप और वर्षे को याद करना है, याद के चार्ट पर ही मदार है। घर में रहो, युक्ति से चलो, बाप और वर्षे को याद करो, चार्ट रखो कि हम कितना समय योग में रहे। बाप को याद करने से वर्षा जरूर मिलता है। बाप तो बहुत सहज कर बतलाते हैं, परंतु कोई याद करे भी ना, माया एकदम भुला देती है। कोई कोई बांधेली बच्चियां ऐसी अच्छी हैं जो घर में रहते भी कई महारथियों से अच्छा योग में रहती हैं। शिव बाबा को बहुत याद करती हैं। शिव बाबा हमें दुख से छुड़ाओ। जानते हैं शिव बाबा से हमको स्वर्ग की रजाई मिलती है। घर में याद करते करते अगर प्राण त्याग दें तो भी बहुत अच्छा पद मिल सकता है। मेरा तो एक दूसरा न कोई, इसी निश्चय से बेड़ा पार हो जाए। कितनी मार खाती हैं, ऐसा सत्संग तो कभी नहीं देखा होगा जहां स्त्रियां मार खाती। सत्संग में जाने से कोई मना करते हैं क्या? ढेर सत्संग है यहाँ तो। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, विघ्न पड़ते हैं, शुरू से लेकर चलता आया है। अकासुर बकासुर कैसे ले जाते थे बच्चों को, विष के लिए मारे कितनी खाती थी, कोई तो बात होगी ना। अच्छे अच्छे बच्चे भल सेंटर्स भी खोलते हैं, फिर भी चलते चलते माया का वार हो जाता है। बाप तो धर्मराज भी है, कहते हैं कि मैं कालों का काल हूँ। अमृतसर में एक अकाल तख्त है, इसका अर्थ कोई समझते नहीं। बाप कहते हैं मैं कालों का काल भी हूँ। वह झमघट तो एक दो को ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तो सब आत्माओं को ले जाऊंगा, इसलिए खुश होना चाहिए। आधा कल्प से भक्ति की है, परंतु वापस कोई भी जा नहीं सकते। अभी आप सभी को ले जाते हो। मनुष्य कहते हैं भगवान कालों का काल है जो सभी को मार डालते हैं, परंतु मैं मारता नहीं हूँ। मैं तो तुम्हें शरीर से मुक्त कर आत्मा गुलगुल बनाए वापस ले जाता हूँ। इसमें डरने की तो बात ही नहीं है। बहुत बच्चे मरने से डरते हैं, डरते वह हैं जिनका पूरा योग नहीं। अरे हम तो तैयारी कर रहे हैं वापस जाने की। बाबा आया है तैयारी कराई ले चलने के लिए। तो तुम स्वर्गवासी नहीं बनेंगे? कहते हैं कि फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु जाते कोई भी नहीं है। स्वर्ग तो भारत में होता है, वह था सतयुग, कलयुग में स्वर्ग कहाँ से आया। अखबार में डालते हैं कि फलाना बैकुंठ गया, उनको श्राद्ध खिलाते हैं। अब बैकुंठ में तो अथाह वैभव है, फिर तुम उनको क्या खिलाएंगे? उनकी तो सदगति हो गई, तो फिर यहाँ का भोजन खिलाए पतित क्यों बनाते हो? अभी तुम बच्चे जानते हो
सच सच तुमको निर्वाण धाम जाने के लिए बाबा शिक्षा देते हैं, खुशी से जाना चाहिए, पुराने कांटों से संबंध तोड़ना चाहिए। बाप कितना सहज कर बतलाते हैं, सिर्फ मुझे याद करो, इसमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो मेरे बच्चों से पूछो। अभी के पुरुषार्थ से 21 जन्मों की प्रलब्ध बनाते हैं, अब नहीं लिया तो खलास, रेस बड़ी भारी है, सबको पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप कहते हैं, बच्चे हमारे ऊपर जीत प्राप्त करो। बाबा मम्मा बाप दादा पिता श्री कहते हो ना, तो ये बाबा भी उनसे पढ़ रहा है ना। तो शिव बाबा पढ़ाते हैं, यह गृहस्थ धंधे वाला आदि था ना, ऐसे ख्याल नहीं आना चाहिए कि मैं पीछे आया हूँ, इसलिए दौड़ी नहीं लगा सकता। माँ बाप कहते हैं, सपूत बच्चा वह जो फॉलो करे। यह माँ बाप भी पुरुषार्थी हैं और पुरुषार्थ कराने वाला है माता पिता। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो यह भी उनका बालक ही हुआ ना। किसकी बात करें, ब्रह्मा बाबा की। तो ये भी गृहस्थी था, तुम भी गृहस्थी हो, है बड़ा सहज। इसमें भी कन्याओं को तो अहो सौभाग्य है, उनको झट बचा लेते हैं, पांच विकारों की सीढ़ी नहीं चढ़ना है। बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह का मिसाल है ना, यह राजयोग है। तुम जानते हो हम भविष्य रजाई पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ कर ऊंचते ऊंच पद पाते हैं, कल्प पहले भी उन्होंने पाया था। कहते हैं, लाडले बच्चे तुम हमारे तख्त का मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ करो। मम्मा बाबा कहते ही तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो, कोई तकलीफ हो तो बाबा को बताओ। इस कारण पुरुषार्थ कम चलता है। बाप है अविनाशी सर्जन, बाकी कोई भी तकलीफ हो तो चाहे लिखो चाहे सम्मुख आकर पूछो, बाप राय देंगे। मुख्य बात है बाप और वर्षे को याद करना। नट शैल में यह काफी है, सेकंड में जीवन मुक्ति पाने का पुरुषार्थ करते करते इतना याद करना है जो अंतकाल और कुछ याद ना आए। ग्रस्त व्यवहार को भूलते जाओ। कहते हैं, मंजिल तो बड़ी है और विश्व का मालिक बनना है। लड़ाई में कितनी मेहनत कर हद की बादशाही लेते हैं, तुम तो स्वर्ग में विश्व के मालिक बनते हो, और क्या चाहिए। इतना मीठा बाप दुनिया में और कोई होता ही नहीं, परंतु इस बाप के नाम रूप देश काल को भूल गए हैं। बरोबर शिव हम आत्माओं का बाप स्वर्ग का रचता है, तो स्वर्ग का ही वर्षा देते होंगे ना, यह भूल गए हैं। किसी को सेकंड में भी तीर लग सकता है, बरोबर बेहद का बाप है, वर्षा देने आया है, क्रिएटर है। किसका, क्या नरक का, नरक क्रिएट करेंगे ऐसे तो कभी नहीं कहेंगे। बाप तो स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है, बस हम तो झट जाकर उनका हाथ पकड़ते हैं। बूढ़े साधारण तन में आया है। बाप कहते हैं, सब बच्चे बेसमझ पुजारी पतित बन पड़े हैं, और मैं आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। यह भी पुजारी था, नारायण की पूजा करता था, चित्र में दिखाया है कि लक्ष्मी उनके पांव दबाती है। बाप कोई ऐसे थोड़ी कहते हैं कि चरण धोकर पियो, बाप कहते पहले लक्ष्मी पीछे नारायण, तो जो लक्ष्मी बनती है उनका मैं पांव दबाता हूँ। बूढ़ी माताओं को कहते कि तुमने आधा कल्प कितने धक्के खाए हैं, पहले अव्यभिचारी भक्ति की थी, अब व्यभिचारी भक्ति बन पड़ी है, थक गए हैं। बाप को संकल्प उठा कि मैं जाकर नई सृष्टि रचूं। बाप तो जानी जाननहार हैं, कहते हैं इन बेचारों ने आधा कल्प भक्ति की है, अब बिल्कुल थक पड़े हैं, मौत भी बड़ा कड़ा है, एक दो को खत्म कर देंगे। बाप है नॉलेजफुल, परंतु कहते हैं कि मैं भी बंधन में बंधा हुआ हूँ, जानता हूँ कि बच्चे बहुत दुखी हैं, इन पर पांच विकार आकर चटके हैं, उनको अब खातरी देते हैं, तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, अभी तुम श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे। बाप हैं ऊंचते ऊंच, बाकी सब है रचना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे, सुप्रीम सोल एक ही बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर वह हुए सूक्ष्म वतनवासी। चित्रों में ब्रह्मा विष्णु शंकर के आगे शिवलिंग रखते हैं, क्योंकि बच्चे हैं ना, तो यह भी वह नहीं जानते।
अभी तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि मिली है, तुमको तो बहुत हर्षित रहना चाहिए। हम सारे सृष्टि के आदिमध्य अंत को जानते हैं, बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, सिर्फ बाप को याद करते हैं, ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं, इसमें कोई छोड़ने की बात नहीं है। पहले तो गौशाला बनानी थी, नहीं तो ये कैसे होशियार बन सकते। पांडवों को देश निकाला मिला था तो ये गौशाला बनी ना। अब तुम समझते हो हम कांटों से फूल बन रहे हैं, तो क्यों ना हम मम्मा बाबा के तख्त पर बैठे। बाबा भी कहते हैं कि फॉलो कर नंबरवार तख्त पर बैठो, अपनी दिल से पूछना है। हम बाबा को याद करते हैं, रात को हमेशा पोता मेल देखो, सारे दिन में अथवा सवेरे उठकर कितना समय बाप को याद किया। बाप को याद कर श्रीमत पर चलना है, एक दो को कांटा नहीं लगाना है। काम क्रोध है मुख्य, इनको जीतो तो दूसरे छोटे छोटे विकार ठंडे हो जाएंगे। काम महाशत्रु है, काम के कारण लड़ाई झगड़े मारा मारी कितना करते हैं। कहते हैं बाबा बच्चे बहुत अशांत करते हैं, स्वर्ग में तो कभी कोई किसी ने किसी को तंग ही नहीं करते, वहां बच्चे भी तंग नहीं करेंगे। इसलिए अब बाप और स्वर्ग के सुख को याद करो, बस अब हमें चलें सुख धाम। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी को दिलवाचान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, माता पिता के तख्त को जीतने की दौड़ लगानी है, पूरा फॉलो करना है। और सेकंड पॉइंट, पुराने कांटों से संबंध तोड़, मेरा तो एक दूसरा न कोई, इस निश्चय में पक्का रहना है। बाबा ने आज वरदान दिया, हर गुण व शक्ति को अपना स्वरूप बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। हर गुण व शक्ति को अपना स्वरूप बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। जो बच्चे बाप समान संपन्न बनने वाले हैं वे सदा याद स्वरूप सर्व गुण और सर्व शक्तियों स्वरूप रहते हैं। स्वरूप का अर्थ है अपना रूप ही वह बन जाए, गुण व शक्ति अलग नहीं हो लेकिन रूप में समाये हुए हों। जैसे कमजोर संस्कार या कोई अवगुण बहुत काल से स्वरूप बन गए हैं, उसको धारण करने की मेहनत नहीं करते, ऐसे हर गुण हर शक्ति निजी स्वरूप बन जाए, याद करने की भी मेहनत नहीं करनी पड़े लेकिन याद में समाये रहें, तब कहेंगे बाप समान। स्लोगन है, बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है, इसे सदा संभाल कर रखो। बाबा शब्द ही सदा सर्व खजानों की चाबी है, इसे सदा संभाल कर रखो। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।